किसान जहां खेत में सर्द रातों में हमेशा खुले आसमान के नीचे रहता है, वहीं आज भी आंदोलन के दौरान भी कुछ ऐसा ही मंजर है। इस वक्त मैं यूपी गेट पर मौजूद हूं और किस तरह से किसान आंदोलन के समय पर रात में यहां पर समय बिताता है, रात गुजारता है, ये चीज़ जानने के लिए हम पहुंचे हैं। और हमारे साथ एक ग्रुप, एक जत्था हमारे साथ जुड़ा है जो कि यहाँ पर रागनी गाते हैं। बाबूजी, आपसे जानना, आप कोई रागनी सुनाने वाले थे, आप एक बार वो रागनी सुनाइए, कौन सी रागनी थी? चलो, हाँ, चार चीजें जब उल्टी चल जा, ओ राजा योगी अग्नि जल और बुद्धि पर पर्दा पड़ जा, मन कहता है चल ही चल। जैसे बुद्धि पर पड़ा ना पर्दा मोदी के, इसे शर्म आनी चाहिए कि यहाँ जब दिल्ली में किसान आ गया तो कैसा पड़ गया, जैसे भ्रष्ट राष्ट्र की बुद्धि पर पड़ गया था, तो वो हट्टी था। और भ्रष्ट राष्ट्र का दुर्योधन जो कैरों कुल का चंदा था, राज की हटने पागल कर दिया, अहंकार में अंधा था। वो धर्म युधिष्ठर सत्वादी और सत के पुरखों का रंधा था, और कैरों कुल के नाश करणिया मामा सुकनी गंदा था। वो समझाए सर माना कोना, वही देखा था अजमा के बल, बुद्धि पर पर्दा पड़ जा और मन कहता है चल ही चल। चार चीज जब उल्टी चल जा, योगी मोदी अग्नि जल, बुद्धि पर पर्दा पड़ जा और मन कहता है चल ही चल। ओ रे उल्टी चाल चली थी नारद ने, भाव भूल गया अंदर का, अहंकार में दीप बुझा लिया अपने मन के मंदिर का। कामदेव को भी जीत लिया था, भरा हुआ छल छंदर का, और ब्याह के कारण नारद जी ने मुंह लगवाया था बंदर का। भई हसी सबा सब देख ऋषि को, नारद की बीमारी गई अकल, बुद्धि पर पर्दा पड़ जा और मन कहता है चल ही चल। चार चीज जब उल्टी चल जाओ, राजा योगी अग्नि जल, बुद्धि पर पर्दा पड़ जा और मन कहता है चल ही चल। धरे टटीरी के अंडे भव सागर ने अभिमान किया, हम सागर ने सो कहेंगे नु ऋषियों से ऐलान किया, अगस्त मुनि के समझाए से भी ना सागर ने ध्यान दिया, ढाई चुल्लू भर कर ऋषि ने सारे जल का पान किया। भई कह चमन लाल जल खारी हो गया, जब इंद्री से गया निकल, बुद्धि पर पर्दा पड़ जा और मन कहता है चल ही। चार चीज जब उल्टी चल जा, राजा योगी अग्नि जल, बुद्धि पर पर्दा पड़ जा और मन कहता है चल ही चल। और कहूं हमारे साथ यहाँ पर जिस तरह से रागनी गाकर ये अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाजियाबाद के यूपी गेट के उन किसानों की है जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन्हें जल्द से जल्द बुला दे। देखिए, ये इनकी व्यवस्था है, ट्रैक्टर ट्रॉली में ही ये सिलेंडर भी है, खाने के लिए पत्तले भी हैं और वहाँ पर अनाज गेहूँ चावल सब लेकर आए हैं। और इनका कहना है कि ये यहाँ पर लगभग 26 जनवरी तक टिक सकते हैं अगर किसान की बातें नहीं मानी जाती हैं। और भी आगे चलते हैं, आपको सारी तस्वीरें आज यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और चलिए सबसे पहले उस तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको।
देखिए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था कर कर लेके आए हैं, ये दिखाना चाहते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए सारी व्यवस्था है, 26 जनवरी तक की सारी व्यवस्था इनके पास है, और सोने के लिए यहाँ पर रजाई गद्दे सब चीज़ लेके आए हैं। और सिर्फ कहना इनका ये है कि अगर मोदी जी इनकी बात नहीं मानते हैं तो 26 जनवरी यहीं मना कर जाएंगे। और भी आगे चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से लगातार जो है आंदोलन चल रहा है। और देखिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर किसान आए हैं, महिला किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो है इनका कल को लेकर जो मीटिंग होने वाली है उसी को लेकर इनकी रणनीति है, और सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। अगर कल इनकी बात बनती है तो ठीक, अगर नहीं मांगे मानी जाती हैं तो क्या करना है, उसकी चीज़ को लेकर ये तस्वीरें हैं। आप देख लीजिए, ये एक तरह से फैसले की रात है, कल क्या इनका फैसला होगा वो भी देखने वाली बात होगी। तस्वीरें और आगे दिखा देते हैं, इस तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग बैठे हैं, किसान यहाँ पर बैठे हैं और वो अपना हुक्का पानी लेकर बैठे हैं, और तैयारियाँ चल रही हैं कल के आज की रात इनके लिए, कल क्या होगा ये सभी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। कुछ किसानों से बात कर लेते हैं। भाव जी आप बताइए, कल फैसला हो सकता है किस, क्या मान के चल रहे हैं मोदी जी, आपकी मांगे मान लेंगे नहीं मान लेंगे? इस बात का तो सरकार को ही पता होगा, हमें तो ये पता, हम तो इतने अड़ी रहे हैं, इतना पहला नहीं होता। फिर भी कुछ तो सोचा होगा, आज फैसले की रात है, आज के बाद कल फैसला हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है, कल मीटिंग है। अगर वे फैसला मानेंगे तो उन समझो उनके दिन सूत पे हैं, उनके दिन अगर सही होंगे तो वे फैसला मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो हम तो लड़ी रहे यहीं रहेंगे, आराम से रहेंगे। देखिए इस यहाँ पर देखिए किस तरह की इनकी व्यवस्था है, हुक्का पानी लेकर आराम से बैठे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इधर भी तस्वीरें देखिए, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा सामान यहाँ पर मौजूद है और अपना आराम से यहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो यहाँ से चले जाएंगे या फिर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर सरकार को जगाना चाहते हैं ये, जिसलिए यहाँ पर आए हैं। और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर किसान जो है आग जलाकर यहाँ पर अपने हाथ सेकने के लिए सारी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ठंड है तो अलाव भी जलाई गई है कि ज़्यादा ठंड ना लगे, आमतौर पर किसानों को आदत होती है। चलिए यहाँ से भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है आज की रात है और कल मीटिंग है, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है? देखो अभी बातचीत चल रही है, क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताओगा। अगर नहीं आता है तो दिल्ली कूच कर जाएंगे? हाँ 26 जनवरी में परेड करेंगे यही राजपथ पर, हमारे ट्रैक्टर भी चलेंगे, अब की बार मीडिया सारी देखेगी। एक चीज बताइए, अगर आप यहाँ रहेंगे खेती कौन करेगा? यार खेती तो है, घरों बालक हैं, औरतें हैं हमारी, वे कर लेंगी इतना तो, और खेती करके करेंगे भी क्या, खेती में हमें मिलना ही क्या है, ये कानून ऐसे बनेंगे हमारे कुछ हाथ नहीं आना इनमें, तो हमारी तो 2 रुपये किलो प्याज बिकेगी, व्यापारी 40 रुपये किलो बिकेगा। कल मोदी जी ने अपने एक लाइव थे, उन्होंने कहा कि किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है, तो उसको लेकर हमें कौन बहका रहा, बहकाया तो हमें चुनाव के टाइम पे जा, अब नहीं बहका रहे हमारे हम किसी के, अभी तो हमें पता कि हमें क्या जीना क्या मरना, चुनाव के टाइम पे बहकाया जा, हमें तो अब नहीं बहकाया जा रहे। है जिनका कहना है कि चुनाव के वक्त वादे किए जाते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। और तस्वीरें दिखा देते हैं, जिधर आप देखेंगे किसान का एक एक जत्था अलग अलग बैठा है, और यहाँ पर अब रात्रि विश्राम कर रहा है और आराम से, किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है, और रुके हुए हैं कि जो भी फैसला होगा, अगर इनकी बातें मानी जाती है तो ठीक, नहीं मानी जाती हैं तो ठीक। और देखिए यहाँ भी ट्रैक्टर ट्रॉली में भी किसान है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि कितने दिन आप यहाँ लगातार बैठे हैं, नींद आने लगी है यहाँ पर या नींद उड़ी रहती है? भैया जी यहाँ पर तो नींद नहीं आती है, सुबह हमें किसान आदमी भैया स्कूल में नहीं जा रहे, घर में पैसे नहीं है तो बताओ कहाँ पे जाएगा, जब स्कूल में पैसे जमा करेंगे तो जब हम वहाँ जाएंगे। अब की बार तो ये होगा, ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा, ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा ना ईसाई लड़ेगा, अब क्या मोदी जी से तो किसान लड़ेगा। क्या नाम है आपका, कितनी मेरी उम्र है? मैं 16 साल हूँ और मैं अभी 8वीं क्लास में आया हूँ। भी पहुंचे हैं और दूसरी तरफ भी चलते हैं, लगातार आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें कि किस किसान की आंदोलन की रात कटती है और कैसे वो आराम से रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ किसान हैं जो आराम से यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? कंवरपाल सिंह। कहाँ से आप आए? मुझे फरनगर बधाई खुर्द गाँव होगा। रोज ऐसी सो रहे नींद आ जाती है?
हाँ जान नींद क्या, अब अगर क्या फैसला, अगर फैसला नहीं आता है तो क्या करेंगे भाई? इतना क्यों कर रहे, 41 दिन का चौधरी साहब ने चिल्ला बताया, 41 दिन तक तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से यहीं पर डेरा डाले रहे, यहीं डेरा डाले रहे। यहाँ पर किसान है जो अपने बड़े आसानी से यहाँ पर बैठे, पूरी तस्वीर हमने आपको यूपी गेट की दिखाई और दिखाया कि किस तरह से किसान यहाँ पर रात गुजारता है। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।